पूरा देश आज श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। लीन भी क्यों ना हो, क्योंकि आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसे में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ ही अन्य मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। माँ यशोदा के लल्ला के लिए जगह जगह झांकियां भी सजाई जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जगह जगह झांकियां लगाई गई। वहीं लखनऊ के प्रसिद्ध झांकी स्थल यानी पुलिस लाइन में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होगा। पुलिस लाइन के साथ ही गोमती तट के किनारे बने श्री खाटू श्याम मंदिर को भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के चलते भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। क्या तैयारियां हैं, कैसे क्या जन्माष्टमी इस बार मना रहे हैं, क्या खास है? मैं आशीष अग्रवाल, खाटू श्याम मंदिर लखनऊ से, मैं यहाँ का कुछ अध्यक्ष हूँ। पहले तो समस्त लखनऊ वासियों, प्रदेश वासियों को जन्माष्टमी के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी हम लोग करीब एक माह पूर्व चालू कर देते हैं, जिसमें कलकत्ता के कारीगरों द्वारा मेन रोड पे और मंदिर में LED लाइटों की भव्य सजावट करी गई है। बाबा को सजाने के लिए बेंगलोर और कलकत्ता से फूल आए हैं। इसी क्रम में इस बार मंदिर पे भव्य बर्फ का श्रृंगार हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसके लिए दिल्ली से कलर डाइस एक बड़ा कंटेनर से मंगवाई गई है, जिसकी सजावट जारी है। रात्रि 8 बजे से भजनों की भजन संध्या चालू होगी, जिसमें अपने अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हरमेंद्र सिंह रोमी भैया अपने भजनों से भक्तों को रिझाएंगे। भक्तों में प्रसाद वितरण के लिए 1.5 से 2 लाख पैकेट रामदाना लड्डू, जो हम लोग नागपुर से मंगाते हैं, वो बनाया गया, जो भक्तों में निरंतर सुबेरे से बढ़ रहा है। 12 बजे भगवान का जन्म किया जाएगा, उनका अभिषेक होगा, मिल्क केक काटा जाएगा और वो 12 से 1 बजे के चरणामृत से भगवान का अभिषेक होगा और वही प्रसाद फिर भक्तों में बांटा जाएगा। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ आती होगी और अभी से भीड़ देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए गए हैं? सुरक्षा के इंतज़ाम के लिए जैसे हमें अपने UP पुलिस का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है, हमारी पुलिस प्रशासन के साथ विगत 3 दिनों से बैठक चल रही है, जिसके लिए एक हम लोग का करीब 32 मंदिर पे 40 से 50 CCTV कैमरे वर्क कर रहे हैं। अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, फायर का इंतज़ाम है और भक्तों को लाइन से दर्शन कराने के पूरे मौजूद बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। तो अपने 25-30 बाउंसर की ड्यूटी लगाई गई है, अपनी तरफ से पूरा हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए हमारे श्याम सेवा हर समय तैयार है, क्योंकि हर वर्ष भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही, जो पहले 5,000-10,000 होते थे, 2 सालों में संख्या बढ़कर 1.5 से 2 लाख पहुंच गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ये मंदिर से 100 मीटर दाएँ और 100 मीटर बाएँ नो पार्किंग जोन बनाया गया है। अस्थायी पार्किंग का निर्माण भी किया गया है। उत्तराखंड मैदान भी खुलवा दिए गए, जिसमें भक्त अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। आज यहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माँ यशोदा का लल्ला आज प्रकट होने वाले हैं फिर से दोबारा इस धरती पे। तो इस तरीके से हर मंदिर में हर घंटी की गूंज बजेगी, हर साउंड बजेगा, हर नंद के आनंद घर जय कन्हैया लाल की एक गूंज बजेगी। और बात करी जाए तो खाटू श्याम जी मंदिर में तो यहाँ पे बहुत तरीके से भव्य तरीके से तैयारियाँ हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ का श्रृंगार हो रहा है, बाबा का बर्फ की झांकियां सजेंगी, कृष्ण कन्हैया लाल की झांकियां सजेंगी, राधा रानी की झांकियां सजेंगी, जो हम लोगों का मन मोहक आकर्षक करेंगे। और जो आज का श्रृंगार, बाबा का श्रृंगार देखा जाए तो आज बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है, जो कि कलकत्ता के स्पेशल फूल से मंगाए गए, कलकत्ता से मंगाए गए फूल हैं, उससे बाबा का प्यारा श्रृंगार हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ पे आई थिंक लखनऊ में दैट द बेस्ट प्लेस जहाँ पे जन्माष्टमी बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है। पूरा देश आज जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयार है और तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का कि भक्तों में तांता लगा हुआ है और यहाँ पर तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। एक स्टेज तैयार किया गया, यहाँ पर कार्यक्रम होंगे और इसी के साथ ही झांकियाँ सजाई जाएंगी, जिसके लिए बाहर से रंगीन अलग अलग कलर की जो है बर्फ़ की शिल्लियाँ मंगाई जा रही हैं, जिससे राधा रानी का श्रृंगार होगा, उनकी झांकी सजेगी और कृष्ण लल्ला का स्वागत किया जाएगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है और हाथों में मोर पंख लिए अभी से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं, लोगों के लिए बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर लोग भारी संख्या में आने वाले हैं। 1.5 लाख से 2 लाख के करीब यहाँ पर हर साल लोग आते हैं, भक्त आते हैं। एक अच्छी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का सहयोग मिला है। और इसी के साथ ही ये स्टेज पे कार्यक्रम होगा और सिंगर आएंगे और अपने भजन से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ नितिन त्रिवेदी, वी न्यूज़, लखनऊ।
देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।